हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आप देख रहे हैं देशरंग टीवी और आज मैं यहाँ पर इंदौर के बांके बिहारी मंदिर का मैं आपको दर्शन कराता हूँ। आइए उसकी मैं आपको सैर कराऊंगा, जो कि इंदौर में राजवाड़ा पर स्थित है, जो कि वर्षों पुराना मंदिर है। और बांके बिहारी मंदिर में बांके बिहारी जी के दर्शन आपको आज मैं कराऊंगा। आइए चलिए मेरे साथ। बांके बिहारी जी की छवि आप यहाँ पर सामने देख रहे हैं और श्री कृष्ण शर्मा मम यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोई नहीं प्रभु मेरा एक भरोसा तेरा। श्री बांके बिहारी जी यहाँ पर सामने आपके समक्ष दिखाई दे रहे हैं। बड़ी सुंदर मनोहर मूर्त है उनकी। यहाँ पर उनकी छोटी सी प्रति बाल गोपाल के रूप में, लड्डू गोपाल के रूप में विराजमान है और जिसका दर्शन करने से ही मन एकदम प्रसन्न हो जाता है। उसके नीचे उनकी पादुका यहाँ पर रखी हुई है दर्शन के लिए। वर्षों पुराना है यहाँ पर, आप देखेंगे तो काफ़ी लकड़ी के फ्रेमवर्क की नक्काशी की गई है यहाँ पर। बड़ा ही सुंदर और मनमोहक मंदिर है, काफ़ी पुराना मंदिर है। इसकी नक्काशी लकड़ियों को देख करके अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितने वर्षों पुराना ये मंदिर है। मंदिर में दर्शन करने के लिए भक्तगण यहाँ पर काफ़ी दूर दूर से आते हैं। काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है, जो कि जन्माष्टमी के अवसर पर काफ़ी बहुत ही सुंदर कार्यक्रम यहाँ पर जन्मोत्सव को धूमधाम से मनाया जाता है। देखिए सामने लड्डू गोपाल जी की बड़ी मनमोहक प्रतिमा यहाँ पर विराजमान है। दोस्तों आइए कुछ मंदिर के बारे में जो विशेष जानकारी है, श्री बांके बिहारी जी मंदिर का यहाँ पर क्या विशेषता है और क्या उसका इतिहास रहा है, थोड़ा सा हम बात करते हैं। यहाँ पर मंदिर प्रशासन से जुड़े हैं जी। नमस्कार, नमस्कार। राधे राधे। थोड़ा सा ये बताइए मंदिर के बारे में, इस महिमा इनकी बांके बिहारी जी की। जी गवर्नमेंट के अंदर जी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर जी, शासक जी। जी जी, कितना साल पुराना मंदिर है? साढ़े तीन सौ साल। अरे वाह, तो दोस्तों आपसे सुना कि ये 350 साल पुराना मंदिर है। बड़ा ही दिव्य और भव्य मनमोहक मंदिर। तो इसका मतलब राधा जन्माष्टमी पर, कृष्ण जन्माष्टमी पर धार्मिक त्योहारों पर फंक्शन होते रहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, हरे राम हरे कृष्ण की टीम भी आती है। अच्छा अच्छा, उनका शेड्यूल रहता है उसके जी जी जी, जी। मतलब काफी धूमधाम से मनाया जाता है उत्सव। अच्छा, बाहर लोग बहुत जुड़ जाते हैं जी। सुबह की आरती कितने बजे होती है? साढ़े सात बजे सुबह की आरती होती है। अच्छा अच्छा, शाम को साढ़े और संध्या के समय शाम को साढ़े। अच्छा, तो श्रृंगार करने के लिए कुछ लोगों का रहती है ना हमारी। अच्छा अच्छा, माता जी का तपस्वी है माता जी जी जी। अच्छा,